हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द ट्रेड टॉक। जो भी लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ, वेलकम टू द ट्रेड टॉक फैमिली। क्या ही आप लोगों ने प्यार दे दिया यार लास्ट स्कैल्पिंग की वीडियो को। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था बट इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करे आप लोगों ने, थैंक यू सो वेरी मच, दिल से थैंक यू आप लोगों को। और इस चैनल पे ना आपको सिर्फ लर्निंग के वीडियोस मिलेंगे और इतनी अच्छी लर्निंग मिलेगी ना कि ट्रस्ट मी, आपको कहीं पे जाके कुछ पे करके सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ गाइस, ठीक है। तो आज का वीडियो भी आपका प्यार देखते हुए ही मैं लेके आई हूँ। और इस बार ही ना हमने 10K से भी कम कैपिटल यूज़ किया है और लास्ट टाइम से भी ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो जनरेट किया है। अब वो हम कैसे कर पाए वो देखने के लिए आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना, मेरी साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करना। प्रॉफिट हो लॉस हो, एट द एंड ऑफ द डे आपकी साइकोलॉजी जो होती है ना वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। और लास्ट वीडियो जो था वो थोड़ा लंबा खींच गया था मेरे से और थोड़ा साउंड का भी इशू था, तो उसके लिए दिल से सॉरी। वी विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स नाउ ऑनवर्ड्स। मुझे लगा ही नहीं था इतना सारा प्यार दे दोगे यार आप। अगर पता होता तो शायद कुछ ज़्यादा वो कर लेते, तामझाम कर लेते हम, बट इट्स ओके। चलो आप देखिए वीडियो, अच्छे से देखना समझना। कुछ डाउट्स हो तो हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर वो डिस्क्रिप्शन में रहता ही है। अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप हमारी टीम से वैसे बात कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन तो है ही यार, हम देखते हैं, हम ईच एंड एवरी कमेंट को रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलो आप देखो वीडियो, एंजॉय करो। आई होप ऐसे ही प्यार आप बाकी वीडियोस को भी दोगे। और वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और जो भी भूल चुक हुई आपने बहुत अच्छे से संभाला हमें, ऑल्दो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बट आपका प्यार देखते हुए मुझे कंट्रोल ही नहीं हुआ और मुझे लगा कि और एक वीडियो तो बनता है और वो उससे भी लेस कैपिटल के साथ हम ट्राई करेंगे, ताकि जो भी बिगिनर ट्रेडर्स हैं ना गाइस वो डीमोटिवेट ना हो। हम हैं यहाँ पे आपको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रही आपका, जाओ वीडियो देखो, एंजॉय करो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना यार और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो तो गाइस आज हम ट्रेड करने वाले हैं बैंक निफ्टी। और मैं यहाँ पे एज यूजुअल ना मेरा जो एनालिसिस होता है वो मैं लार्जर टाइम फ्रेम पे ही थोड़ा सा कर लेती हूँ, ताकि जो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हो मेरे लेवल्स जो हो वो एक्यूरेट हो। तो इसलिए बस वही मैं कर रही हूँ अभी कि बेसिकली मैं 4 आवर 1 आवर 30 मिनट्स ये मेरे मेन क्रूशियल टाइम फ्रेम्स होती है। तो 1 वीक पे भी देख लेते हैं अगर कोई ऊपर की साइड रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट आज बुलिश है, अच्छी कैंडल बनी थी बैंक निफ्टी की, तो वही मैं यहाँ पे देख रही थी। और यहाँ पे जो है मुझे एक बायर का जोन दिख रहा है, देखेंगे अगर कुछ अच्छा ट्रेड मिलेगा ना आज बहुत सटीक ट्रेड करेंगे। और हमारा कैपिटल भी आज जो है वो कम है, 7,500 कैपिटल है हमारा। चलो जल्दी से एक प्रीमियम ऐड कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर ट्रेंड लाइन थी जो कि 4 आवर पे मुझे दिखी, 1 आवर पे भी सेम ही ट्रेंड लाइन थी एंड 30 मिनट्स पे भी थी, तो वो अश्योरेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया मुझे। एक हम बाई यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, एक 1 मिनट की कैंडल अगर ऊपर क्लोज होती है तो। अगर ये नीचे आएगा ना गाइस ये फास्ट आएगा, ठीक है। चलो एक कर लेते हैं बाई, देखते हैं क्या होता है। ये आना तो फास्ट चाहिए, क्योंकि जो सेलिंग होती है वो हमेशा अग्रेसिव होती है। 83.72 यहाँ पे हम ट्रैप हो गए शायद। कोई बात नहीं, ईएमए को ईएमए के आसपास देखेंगे कैसा बिहेव करता है कैंडल, ये रनिंग कैंडल जो है। चलो कट ही कर देते, कोई नहीं। मुझे लग रहा है कि ये ट्रैपिंग ही है, जैसी ऊपर से रिजेक्शन है ना 1 मिनट पे, ये ट्रैप हो गए गाइज हम। कोई बात नहीं, देखेंगे और ट्रेड देखेंगे। अभी गाइज यहाँ पे एक ऑर्डर मैंने पंच की है, सॉरी मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लेट ऑन करी। डाउन साइड के लिए आप देख सकते हो मेरा एक जोन था, जोन ब्रेक हुआ और मैंने एक स्कैल्पिंग लिया। ये देखो मैंने क्लोज किया 800 के अराउंड और ये क्लोज, ये प्रॉफिट कितना कम दिखा रहा है मुझे। मैं अगर धन पे रिफ्रेश करूँ तो ये देखो 466 ओनली। ये यार ये कभी कभी ना गलत चीज़ हो जाती। और एक ट्रेड मैं पंच कर रही हूँ पुट साइड का ही,
चलो कर लेते हैं पंच, क्विक क्विक रहेगा मेरा आज स्कैल्पिंग बहुत। चलो निकल गए, मैंने ये भी ट्रेड एग्जिट कर लिया। ओके, बाप रे बाप, बहुत प्रेशर फील हो रहा है आज मार्केट में, जो ये 2-3 कैंडल की स्पाइक मारी है। तो गाइज मुझे यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री लग रही है, मुझे मेरे लेवल्स से ऊपर वो ब्रेक हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ एक कॉल साइड का प्रीमियम लेके। चलो एक मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज हुई मैंने एंट्री कर ली है, एक स्पाइक देखेंगे, स्पाइक मिली वी विल एग्जिट द ट्रेड। ठीक है, ज़्यादा होल्ड नहीं करना है आज, इतने स्पाइक्स मार रहा है ना मार्केट आज के, मुझे ऐसी मार्केट पसंद नहीं आ रही, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा गड़बड़ हो जाता है यार, साइकोलॉजी इफेक्ट करती है ये चीज़ों से। बट देखते हैं, जाना तो चाहिए एज पर प्राइस एक्शन ये ऊपर, मुझे लग रहा है ये कट करना पड़ेगा। छोटा सा ही लॉस है, बड़ा लॉस एटलीस्ट बड़ा लॉस नहीं लेते, छोटे से ही लॉस में कट करेंगे अगर कट करना पड़े तो। यहाँ पे मेरी एक क्लोज पोजीशन की ऑर्डर रेडी है, ठीक है, हम मैन्युअली ही ट्रेड को एग्जिट कर देंगे अगर हमें लगे नहीं करेगा ये वर्क। चलो एग्जिट कर देते हैं, नया ट्रेड देखते हैं। ठीक है गाइस, आपके लिए तो ये बहुत अच्छी लर्निंग है, ठीक है, आप इससे सीखो, सीखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पे लेवल थी और लेवल ब्रेक होने के वजह से मैंने ट्रेड लिया था, कितना खतरनाक ट्रैपिंग है ये। चलो और एक हम ये ट्रेड लेंगे, आपको मैं दिखा देती हूँ। फंड्स देखो कितने हैं, ओपनिंग बैलेंस देखिए, ठीक है, 7,000 का ही फंड जो था वो हमने ले रखा था इसमें, इस अकाउंट में। और ये ना गाइस मेरे फ्रेंड का अकाउंट था तो मैंने वो आपको दिखाने के लिए ले रखा था। चलो एक जल्दी से बाइंग ऑर्डर लगा देते हैं, चलो बाय कर लेते हैं जल्दी। ओके, 36, 10, इसको भी मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करने वाली, जैसे ही ऊपर के साइड हमें स्पाइक मिलेगी हम एग्जिट हो जाएंगे। ये जैसे ही लॉस दिखने लगता है ना, थोड़ा सा धड़धड़ होता है और ऐसा लगता है जैसे ही हम ट्रेड ले तुरंत ही प्लस में चला जाए, मार्केट स्पाइक मार दे और हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होके हम निकल भी जाए, बट वैसा होता नहीं है। मुझे लग रहा है अभी ये स्पाइक आएगी, ये अच्छी कैंडल बन रही है, अभी हम रेडी रहेंगे हमारे एग्जिट ऑर्डर के साथ। ओके, मैंने ये भी ट्रेड एग्जिट कर दिया गाइस, ठीक है, लेकिन इतने से प्रॉफिट से आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो हम अभी और ट्रेड ढूंढेंगे। और मेरा रिस्क एपेटाइट और मेरा पर डे का ट्रेड का कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स मुझे लेने हैं वो मुझे पता है, तो उस हिसाब से ही मैं ट्रेड लेती हूँ, उससे ज़्यादा हो गया तो मैं मेरा लैपटॉप बंद कर देती हूँ। इंडिया विक्स में देख रही थी गाइस, इंडिया विक्स 13 के अराउंड चल रहा है, कल भी ऐसे इसी ही रेंज में था ये, तो ये कहाँ से ऑप्शन बायर्स के लिए मार्केट हो गया बताओ, क्या ही करे ऑप्शन बायर, क्या ही करे। मतलब मज़ा आ गया कमेंट्स देख के, तो आज दिन बन गया, ठीक है, मस्त हो गाइस आप लोग। मैं तो यहाँ पे ना गई, मुझे एक जोन दिख रहा है, इस जोन के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो हम ट्रेड करेंगे। चलो मैं कर लेती हूँ बाय, क्योंकि क्लोजिंग मिल गई है। और ये जो ट्रेड्स हैं ना गाइस, ये अलग अलग टाइम पे लिए गए ट्रेड्स हैं, इट इज़ जस्ट मैं एडिटिंग के वक्त ये टाइमिंग्स आपको बता नहीं रही हूँ, बट ये अलग अलग टाइम्स के ट्रेड है, ठीक है। जब भी मुझे ट्रेड मिल रहे थे मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रही थी। ओके गुड, 2:43, 3:32, मुझे लग रहा है एक डाउन साइड स्पाइक मिलेगा। ओके नाइस, ओ नाइस, वेरी गुड, 518। ओके चलो हम एग्जिट कर देते हैं ट्रेड को, हो गया हमारा, ये अच्छी बिग बार कैंडल थी ये, ठीक है। देखते हैं कितना हुआ है प्रॉफिट, 1100। ये ट्रेड का देखो आप, लगभग 5,500 रुपये लगा था मुझे और 563 रुपीज़ मैंने अर्न किया, 372 पे लेके 409 पे बेच दिया। मतलब ये अच्छे पॉइंट्स होते हैं गाइस, ठीक है, ये अच्छे पॉइंट्स है। अगर आप ह्यूज लॉट से ट्रेडिंग करोगे ना, तो इसमें आप तो सोचो आप कितने मतलब प्रॉफिट कमाओगे, है ना। और एक ट्रेड दिख रहा है मुझे, ये भी डाउन साइड का है और यहाँ पे जो दिख रही है आपको स्क्रीन पे वो मेरी लेवल है, आई वो जस्ट वेटिंग कि ये लेवल ब्रेक हो जाए, हम कर लेंगे ट्रेड में एंट्री, अगेन स्पाइक देखेंगे और
एग्जिट करेंगे, क्योंकि नीचे ना स्पेस है इसको नीचे आने के लिए, बैंक निफ्टी को नीचे आने के लिए स्पेस पड़ा हुआ है, आना चाहिए इसने नीचे। ठीक है, ओके, अभी जाके प्लस में आया है वो ट्रेड 56 110। मार दे भाई, एक स्पाइक मार दे 55 71। ओके, फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया ये। जैसी स्पाइक आएगा ना गाइस, देखना आप कैसे ये प्रीमियम फटता है, आप देखना सिर्फ। ओके, क्योंकि आईवी स्पाइक हो जाती है उस वक्त, इसके वजह से ये होता है कि जब भी एक बड़ा, ओके देखो ये मैं बोल रही थी कि जब एक बड़ा कैंडल बन जाएगा ना, यही जो कॉस्ट टू कॉस्ट होता है वो भी 250 प्लस वगैरह दिखने लगता है इमिडिएटली विद इन 1-2 सेकेंड्स। 101, ये नीचे, ये जल्दी बड़ी स्पाइक आनी चाहिए। जैसी ये कैंडल है ऊपर से रिजेक्शन भी है, कोई टेंशन मुझे लग नहीं रही इस ट्रेड में। ओके ओके, चलो चलो इनफ है ये मेरे लिए, मैं एग्जिट कर रही हूँ इस ट्रेड से। और अभी आप देखो 1300 के अराउंड कुछ हुआ है, और ये आपको मैं धन का प्लेटफॉर्म पे थोड़ा रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ। ये हमारे ट्रेड्स रहे, 5 प्रॉफिट 2 लॉस में रहे, और अच्छा था, छोटे कैपिटल के साथ भी ट्रेड करना करने का एक्सपीरियंस अच्छा था। 7000 मतलब कुछ नहीं है मार्केट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से ये रिटर्न अच्छा है गाइस। 7000 पे अगर आप 1300 1400 1500 कमा रहे हो तो वो बहुत अच्छा रिटर्न है। यहाँ पे ना गाइस मुझे एक और एक ट्रेड दिख रहा है, जल्दी से स्कैल्पिंग मोड ऑन कर लेते हैं और ऑर्डर मिस ना हो जाए। और ये वही मैंने प्रीमियम उठाया जिस प्रीमियम में मुझे 450 के अराउंड लॉस था। देखो इसमें 450 लॉस था, अभी देखते हैं कितना हम कम करके कितना कम करा पाते हैं इसका लॉस। मेरा ट्राई होगा 200 250 150 या फिर प्लस में ही लेके चले जाए, देखते हैं क्या होता है। ओके, ये कैंडल अच्छी बनाई है। ओके, 185 261। ये देखो हमने अभी कुछ सेकंड में ही जो लॉस था हमारा 450 का वो हाफ पे लाके रख दिया। अरे अरे, ये तो बहुत नीचे आ गया भाई। हम मैनेज करेंगे गाइज अभी इस ट्रेड को, हम वेट करेंगे, क्योंकि जैसी ये कैंडल बनी है बैंक निफ्टी की और प्रीमियम पे भी, ये मुझे लग रहा है अच्छी कैंडल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, क्रॉस ओवर भी हो रहा है। ओके चलो, 291 316 310 282, यहीं पे कहीं पे मैं बुक कर लूँगी। ठीक है, मेरा इनफ है, मैंने आधा लॉस मेरा कट कर दिया है उस प्रीमियम का, कर देते हैं कट। अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे अराउंड 1517 के अराउंड कुछ हमारा प्रॉफिट चल रहा है। रोलर कोस्टर राइड है आज का ट्रेडिंग सेशन, बट मज़ा बहुत आ रहा है। और गाइज मैं ना रिकॉर्ड करना भूल गई, और मैंने उसके बाद और एक ट्रेड लिया, तो हमारा अभी टोटल PNL जो है आज के दिन का वो 1875 रुपीज़ है विथ 7000 कैपिटल। ठीक है, तो हमने 8 ट्रेड लिए, टोटल 6 प्रॉफिट में थे, 2 लॉसेस में थे। आप अगर देखोगे ना तो मेरे लॉसेस जो है वो छोटे छोटे, प्रॉफिट जो है वो बड़ा है। जो मैंने ट्रेड किया था ना, मैं वो आपको दिखा देती हूँ लास्ट वाला। तो यहाँ पे देखो आप, 544 पे मैंने उठाया और 568 पे मैंने बेच दिया 358 का प्रॉफिट करके, तो 1875 हमारा आज का प्रॉफिट था गाइज। तो गाइज कैसा लगा आपको आज का ये स्कैल्पिंग का वीडियो? शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो है, लर्निंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।